पहला हमला, इसराइल का पहला टारगेट तबाह। दूसरा हमला, इसराइल का दूसरा टारगेट उड़ गया। तीसरा हमला, इसराइल का तीसरा टारगेट तबाह। चौथा हमला, इसराइल का चौथा टारगेट तबाह। कुछ इस तरह इसराइल ने हिजबुल्ला के सैनिक अड्डों को तहस नहस कर दिया। ये वीडियो लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल की सेना के बड़े हमले का है। इसराइल डिफेंस फोर्स ने हमले का वीडियो जारी कर एक नए युद्ध को शुरू करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि हिजबुल्ला के ठिकानों पर इसराइल के हवाई हमले से मिडिल ईस्ट में युद्ध के विस्तार की आशंका बढ़ गई है। वजह है इसराइल का हिजबुल्ला के खिलाफ किए गए ताबड़तोड़ हमले। हमला नंबर एक, हमला नंबर दो, हमला नंबर तीन, हमला नंबर चार, हमला नंबर पांच। इसराइल के इन हमलों ने युद्ध को और खौला दिया है। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमला करने का दावा किया है। इस हमले में हिजबुल्ला के भारी नुकसान का दावा किया गया है। जिस तरह से इसराइल ने हिजबुल्ला के अड्डे उड़ाए हैं, उससे ये बात साबित हो जाती है, ये हमला इसराइल में हिजबुल्ला के हमले के जवाब में किया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक इसराइल की सेना ने लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्ला के ठिकानों पर उसी जगह हमला किया जहां से एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ी जा रही थी। हमले में आतंकी संगठन हिजबुल्ला के दो लड़ाके मारे गए हैं, इसकी पुष्टि खुद हिजबुल्ला ने की है। सवाल है, क्या इसराइल और गाजा के बीच छिड़ी जंग से पूरा मिडिल ईस्ट जलने वाला है? क्या युद्ध की चिंगारी गाजा के बाहर निकलकर लेबनान में भड़कने वाली है? क्योंकि इसराइल पर हमास के साथ साथ अब हिजबुल्ला ने भी अटैक शुरू कर दिया है। वहीं ईरान लगातार इसराइल को धमका रहा है। बड़ा सवाल, क्या ईरान गाजा युद्ध के नए मोर्चे खुलने वाले हैं? इसराइल इस वक्त युद्ध के उस चौराहे पर खड़ा है जिसका एक रास्ता गाजा को जाता है, दूसरा रास्ता लेबनान को जाता है, जहां इसराइल के हमलों का जवाब देने के लिए हिजबुल्ला अपने हथियार और लड़ाकों के साथ तैयार बैठा है। युद्ध का तीसरा रास्ता सीरिया जाता है, जिसकी इसराइल से दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। चौथा और सबसे खतरनाक रास्ता ईरान को जाता है, जो हमास से लेकर हिजबुल्ला का आका है। अमेरिका ने लेबनान में रहने वाले लोगों के लिए अलर्ट जारी किया है, यहाँ तक कि उसने दूतावास में मौजूद गैर जरूरी कर्मचारियों को फौरन लेबनान छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है। और तो और, हिजबुल्ला की धमकी की वजह से अमेरिका ने अपने नागरिकों को लेबनान की यात्रा ना करने की भी सलाह दी है। वजह है हमास के साथ छिड़े युद्ध का लेबनान विस्तार। यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते, यहाँ तो कोई आपको दिखेगा ही नहीं। इस गांव में कल एक मिसाइल से हमला किया था जिसमें तीन लोग घायल हुए थे हिजबुल्ला ने, और पिछले 12 घंटे में 9 ऐसे मिसाइल से हमले किए जिसमें इजराइल ने 4 को इंटरसेप्ट किया, 5 अपने टारगेट पे गिरे, लेकिन इजराइल भी हिजबुल्ला के अब तक 10 आतंकवादियों को मार गिरा। यहां से हम आगे नहीं जा सकते, इस इलाके से हमारे लिए जाना ठीक भी नहीं है और जाने की इजाजत भी नहीं है, और कोई यहाँ नहीं दिख रहा। गांव से लोगों को हटा दिया गया है, दक्षिण के इलाकों में चले गए हैं, यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि लेबनान का जो पोजीशन है वो टॉप में है, इसलिए उनको रणनीतिक तौर पे थोड़ा फायदा होता है, लेकिन आगे तमाम आर्मी के इंस्टॉलेशन जो कि डिप्लॉयमेंट होता है, टैंक इसके अलावा दूसरी गाड़ियां, वो यहां तैनात है ताकि अगर फुल वॉर हो तो लेबनान और हिजबुल्ला का जवाब दे सके इजराइल। इसराइल के खिलाफ हमास की ताकत को हिजबुल्ला ने कई गुना बढ़ा दिया है, क्योंकि हिजबुल्ला के पास वो सब कुछ है
जिसके दम पर वो इजराइल पर अपना दबदबा बना सकता है। आधुनिक हथियार हो या फिर लंबी दूरी की मिसाइल, हर मोर्चे पर वो हमास से 10 गुना ज्यादा ताकत रखता है और उसकी इसी ताकत का बाइडेन को डर है। दावा किया जा रहा है कि नेतन्याहू से बातचीत में बाइडेन ने सलाह दी है कि हिजबुल्ला को ना उकसाया जाए, नहीं तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है। सवाल है, गाजा पर चल रही इजराइल की बमबारी के बीच अचानक युद्ध का एपिसेंटर लेबनान की तरफ क्यों मुड़ गया है? क्या हिजबुल्ला ने अब ऐसे हमले करने शुरू कर दिए हैं जिसका ऑर्डर सीधा तेहरान से आ रहा है? आखिर क्यों इजराइल लेबनान बॉर्डर की तस्वीरें और खतरनाक होती जा रही हैं? लेबनान इजराइल बॉर्डर पे भी उस गांव में है जो कि सबसे करीब है, जिसकी सीमा लेबनान से लगती है। यहां से महज 500 मीटर की दूरी पर लेबनान है और ये मेतुला गांव है। आपको तस्वीरों में दिखा दे 360 डिग्री अगर मेतुला गांव का करें हम अपने कैमरे से तो 270 डिग्री इसका लेबनान के साथ जुड़ता है और महज 90 डिग्री जहां हम खड़े हैं, हम 90 डिग्री में आते हैं, 90 डिग्री इजराइल की सीमा। वो सामने जो आपको काले आपको मिट्टी नुमा आकृति दिख रही है, यहां से दूर हमारे कैमरा पर्सन करम आपको दिखा रहे हैं, वो लेबनान का हिस्सा। और एक बार फिर बाई तरफ करम आप दिखाइए गांव को, ये घूमिए आप, ये महज 90 मीटर 360 डिग्री में 90 डिग्री ये गांव है। 1500 की आबादी है, तमाम लोगों ने गांव को खाली कर दिया गया क्योंकि 2 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। आगे में मिलिट्री की तैयारी है। इस वक्त इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर आग लगी हुई है और ये आग कब युद्ध को 10 गुना भड़का सकती है, इसके बारे में दुनिया में सिर्फ 4 लोग ही जानते हैं। पहले हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू, दूसरे हैं ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी, तीसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चौथे हैं यूरोप से लेकर अमेरिका तक सबको हिला देने वाले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव ईरान है। इजराइल के ऊपर हमले के लिए हमास को ईरान का सपोर्ट मिल रहा है। हमास के प्रवक्ता गाजी हमद इसे कबूल कर चुके हैं, लेकिन अमेरिका चाहता है हिजबुल्ला पर हमले के दौरान इजरायली सेना सावधानी बरते ताकि बड़ी जंग शुरू ना हो सके, क्योंकि हिजबुल्ला और हमास का मकसद एक ही है और वो है इजराइल का विनाश। लेकिन दोनों संगठनों की जमीनी रणनीति और सैन्य क्षमताएं अलग अलग हैं। हमास एक सुन्नी चरमपंथी संगठन है जबकि हिजबुल्ला शिया संगठन है। लेकिन 1982 में वजूद में आए हिजबुल्ला को हमास से कहीं ज्यादा खतरनाक और ताकतवर माना जाता है। हिजबुल्ला का दावा है कि उसके पास 1 लाख लड़ाके हैं जो किसी भी देश की सेना पर भारी पड़ सकते हैं। इसके अलावा उसके पास करीब 1.5 लाख मिसाइलें हैं जो इसराइल के किसी भी हिस्से को निशाना बनाने की ताकत रखती है। उसके हथियारों के जखीरे में आधुनिक ड्रोन, एंटी टैंक मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे हथियार भी मौजूद हैं। इसीलिए ये माना जा रहा है कि अगर जंग में हिजबुल्ला की एंट्री हुई तो फिर इजराइल को इससे निपटने में नाकों चने चबाने पड़ सकते हैं। इसी बीच हमास और हिजबुल्ला से जंग के बीच इजराइल ने हमले की तैयारी का एक वीडियो जारी कर दिया जिसमें इजराइल की सेना खतरनाक मिसाइलों और घातक हथियारों के जरिए अपनी ताकत दिखाती नजर आई। अपने इस वीडियो में इजराइल की सेना लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करती दिखी और अब हिजबुल्ला के ठिकानों पर हवाई हमला बोलकर आर पार की जंग छेड़ दी है।